हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बोटनेक कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पे मैंने जो मेन फैब्रिक लिया है वो लिया है 2 मीटर, अस्तर लिया है 2.5 मीटर। फैब्रिक है ये हमारा ब्रॉकेट फैब्रिक, इसे बोल सकते हो, या फिर सिल्क का फैब्रिक है। बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल फैब्रिक है ये। तो सबसे पहले मैं आपको फैब्रिक की पूरी लेंथ जो है वो दिखा देती हूँ। देखिए, फैब्रिक यहाँ पे मैंने पूरा ओपन कर लिया है, आप देख सकते हो। और फैब्रिक की यहाँ पे लेंथ कितनी है, तो लगभग 56 इंच इसकी लेंथ जो है 56 इंच है। मतलब काफी बड़ा फैब्रिक है ये, फैब्रिक का अर्ज जो है काफी बड़ा है। तो सबसे पहले अब हमें इसे कैसे 4 फोल्ड में करना है, जो भी आपका हिप साइज है उसे डिवाइडेड बाय 4 करके आपको इस फैब्रिक को 4 फोल्ड में कर लेना है। जो भी हिप का 4th पार्ट आता है उसमें आपको 1 या 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए फैब्रिक को 4 फोल्ड में कर लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे फैब्रिक मैंने 4 फोल्ड में कर लिया है। मेरी वाली जो साइड है वो बंद वाली साइड है, और ये जो सामने वाली साइड है ये ओपन साइड है, और उतना फैब्रिक जो है हमने बचा लिया है। उस फैब्रिक से हमारी जो स्लीव्स है उसकी कटिंग हो जाएगी। इसमें आप फुल स्लीव्स भी बना सकते हो या फिर हाफ स्लीव्स भी बना सकते हो, आपके अकॉर्डिंग रहेगा ये। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है। यहाँ पे सबसे पहले ये जो किनारे वाला पार्ट है उसे हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे एक सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे। किनारे वाला हिस्सा जो है उससे यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे लेना है आपको शोल्डर का मेजरमेंट, आपका जो भी शोल्डर है उसे हाफ कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं 7 इंच पर मार्क कर लूंगी। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, आपको कौन सा नेक बनवाना है, नेक कितना डीप रखना है, ये सब चीजें मायने रखती है कुर्ती की कटिंग में। तो देखिए, यहाँ से सीधे नीचे और एक मार्क कर लूंगी मैं 7 इंच पर। तो ये हो गया हमारी आर्म होल का मार्क, देखिए। और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए ये जो है दोनों पॉइंट्स हमें कनेक्ट कर लेने हैं आर्म होल के। यहाँ पे सीधी लाइन जो है मैंने ड्रॉ कर ली है। अब देखिए, इस कुर्ती में हमें बनवानी है बोट नेक। तो यहाँ पे बोट नेक का जो शेप है वो लगभग हमें 4.5 इंच तक रखना है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको शोल्डर भी लेना है। यहाँ पे मैंने 7 इंच शोल्डर लिया है। अब देखिए, जहाँ पे आर्म होल का हमने मार्किंग किया है वहां पे चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो चेस्ट लूजिंग के साथ यहाँ पे 10 इंच पर मैं मार्क करूंगी। चेस्ट जो है 40 इंच है, तो 10 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है। प्लस इसमें हमें 2 इंच जो है आगे मार्जिन लेनी है। तो दोनों मार्किंग मैंने कर ली है यहाँ पे। तो ये हो गई हमारी मार्जिन की मार्किंग और ये हो गई हमारी फिटिंग की मार्किंग। अब देखिए, वेस्ट के लिए मेजरमेंट कैसे लेना है। देखिए, जहाँ पे हमने आर्म होल का मार्क किया है वहां से सीधे नीचे हमें 7.5 इंच पर एक मार्क कर लेना है वेस्ट लाइन के लिए। 7.5 इंच पर एक वेस्ट लाइन के लिए मार्क कर लिया। अब इन शेप को वैसे ही नीचे कर लेंगे और यहाँ पे हमें जो हमारे साइड कट है उसका मेजरमेंट लेना है। देखिए, 7.5 इंच पर मैंने वेस्ट के लिए मार्क कर लिया। अब 15 इंच पर मैं मार्क कर लूंगी यहाँ पे हिप के लिए। यहाँ पे हिप का मेजरमेंट 13 इंच, 14 इंच या 15 इंच, यहाँ तक ही ले सकते हैं। मतलब ये जो है स्टैंडर्ड साइज मेजरमेंट रहेगी, 13, 14 या 15 इंच तक आपके अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हो। तो देखिये, यहाँ पे मैंने एक मार्क 15 इंच पर किया, एक मार्क 7.5 इंच पर कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो मार्क्स किए हैं हमने, तो वेस्ट के लिए यहाँ पे मार्क कर लेंगे हम लगभग 9 इंच पर। 9 इंच जो है यहाँ पे वेस्ट लाइन है, 36 वेस्ट लाइन है, उसका 4th पार्ट 9 इंचेस आ रहा है। तो यहाँ पे 9 इंच पर मार्क कर लेंगे। हिप के अकॉर्डिंग आपको जो भी हिप है उसे पूरा हिप राउंड ये कर लीजिए, मेजर कर लीजिए। तो यहाँ पे 11.5 इंच पर मैं हिप का मार्क कर लूंगी लूजिंग के साथ, और यहाँ पे एक मार्क कर लिया है मैंने। अब देखिए, सिंपली हमें इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर लेना है। स्केल की हेल्प से सबसे पहले इन पॉइंट्स को मैं कनेक्ट कर लूंगी, और जो भी मार्क्स करने हैं वो देखिए, जो भी कुर्ती है फोल्डेड साइड से ही हमें नेक का मेजरमेंट लेना है, और फोल्डेड साइड से ही हमें जो हमारा बाकी के मेजरमेंट्स है वो फोल्डेड साइड से ही लेने हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली है और पॉइंट्स जो है कनेक्ट कर लिए है। यहाँ से नजदीक में दिखा देती हूँ, दोनों जो मार्क्स है हमने कनेक्ट कर लिए है। यहाँ तक जो मार्जिन वाला मार्किंग है उसे भी कनेक्ट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे लेना है जो भी आर्म होल का मेजरमेंट है वो। तो फ्रंट आर्म होल के लिए यहाँ पे मैं 1 इंच पर मार्क कर लूंगी, और बैक आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर मार्क करते हुए देखिए, हमें स्केल की हेल्प से ही यहाँ पे कर्व शेप जो है दे देना है। बहुत ही आसान है ये कर्व देना, और ये कर्व भी बहुत ही अच्छे से आ जाता है अगर आप स्केल का यूज कर सकते हो। तो देखिए, परफेक्टली ये कर्व जो है हमारा आ चुका है। तो देखिए, अब यहाँ पे हम नेक की मार्किंग कर लेंगे। तो नेक की विड्थ कितनी रखनी है, तो यहाँ पे बोट नेक में 4.5 इंच जो है नेक की विड्थ रखूंगी मैं। अब वहीं से सीधे नीचे और एक मार्क कर लेना है नेक डीप कितना रखना है। तो सबसे पहले मैं 4 इंच पर मार्क कर लूंगी इसमें, आप 4.5 इंच तक भी रख सकते हो आपके अकॉर्डिंग। तो मैं 4 इंच पर मार्क कर लूंगी लगभग, और स्क्वायर शेप जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लूंगी। अब यहाँ पे आपको बोट नेक का शेप जो है ड्रॉ कर लेना है। देखिए, यहाँ पे बोटनेक का जो शेप है मैंने ड्रॉ कर लिया है। 1/2 इंच शोल्डर जो है आर्म होल साइड डाउन कर लेंगे।
अब यहाँ से जो नीचे वाला बॉटम है उसकी मार्किंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें कुर्ती की लेंथ कितनी रखनी है वो देखेंगे। तो देखिए 45 इंच तक यहाँ पे कुर्ती की जो लेंथ है वो 44 रेडी रखेंगे। तो यहाँ पे 45 इंच पर मैं मार्क कर लूंगी। लॉन्ग कुर्ती बनाएंगे, यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए नीचे वाला जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा फैब्रिक इसे कट कर लेंगे। जो भी बचा हुआ फैब्रिक है उसे मैंने स्लीव्स के लिए 4 फोल्ड में रखा है। अच्छे से सेट कर लीजिए फैब्रिक को। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसे 4 फोल्ड में कैसे किया है कि जैसे यहाँ पे चेस्ट जो है 10 इंचेस है, चेस्ट का 4 पार्ट 10 इंचेस आ रहा है, प्लस इसमें हमने 1 इंच जो है एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया तो भी चल जाएगा। चेस्ट का 4 पार्ट प्लस 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। और ऐसे इस फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में रखा है। ये बाजू बंद है और सामने वाली ओपन साइड है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो ओपन साइड है वहां से 3.5 इंच पर एक मार्क कर लेना है। जो ओपन साइड है वहां से 3.5 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है। और यहाँ से ये जो फोल्डेड साइड है वहां से आपको लेना है लगभग 1 इंच पर मार्क, 1 से 1.5 इंच तक ले सकते हो। तो 1.5 इंच पर मैं मार्क कर लूंगी। अब यहाँ से लेंथ मेजर कर लेंगे, आपको जितनी भी साइज की स्लीव्स बनानी है उतनी स्लीव्स की लेंथ जो है आपको लेना है, प्लस इसमें आपको 1 इंच जो है मार्जिन ले लेनी है। तो देखिए लगभग यहाँ पे 16 इंच की जो है स्लीव्स रेडी हो जाएगी हमारी। तो इसमें हमें क्या करना है, 16 इंच की रेडी हो जाएगी तो 17.5 इंच 17.5 इंच पर मैं मार्क कर लूंगी और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूंगी। तो देखिए यहाँ पे लाइन जो है मैंने ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे लेना है आपको जो भी आपकी स्लीव्स है उसका बॉटम लेना है, बॉटम। तो यहाँ पे 6 इंच जो है रेडी बॉटम रखना है हमें, प्लस इसमें मैं मार्जिन लूंगी इसमें 1.5 इंच की। तो देखिए दोनों पार्ट्स जो है, दोनों पार्ट्स की मैंने मार्किंग कर रखी है। देखिए दोनों मार्क्स कर लिए हैं। तो अब हमें इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर लेना है, जो भी हमारा ये जो पॉइंट है। तो इससे सबसे पहले ये 3.5 इंच वाला मार्क है इससे कनेक्ट कर लेंगे ऐसे। यहाँ पे आपने 1 इंच की मार्जिन रख ले ली तो भी चल जाएगा एज इट इज। और ये एक मार्क है, देखिए दोनों पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट कर लिया है यहाँ पे अच्छे से। अब देखिए यहाँ से हमें स्लीव्स का शेप जो है देना ड्रॉ कर लेना है, जो भी स्लीव्स का या फिर ये वाला शेप जो है इसे ड्रॉ कर लेना है। तो अच्छे से यहाँ से शेप देना स्टार्ट करेंगे। और जो 3.5 इंच वाला मार्क है हमारा, जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग कर ली है और यहाँ पे स्लीव्स जो है मैंने उल्टी रखी है, मतलब दोनों स्लीव्स जो है एक के ऊपर एक ऐसे रखी है कि दोनों मेन फैब्रिक दोनों स्लीव्स के आमने सामने आ जाए। अब देखिए ये जो है स्लीव्स का सेंटर है। अब हमें क्या करना है, जो फ्रंट वाला पार्ट है उसकी मार्किंग कर लेनी है। तो फ्रंट वाला पार्ट जो है 1/2 इंच अंदर से हम कट कर लेते हैं। तो देखिए ऐसे हमें मार्किंग कर लेनी है, लाइट मार्किंग कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग कटिंग कर लीजिए। अब एज इट इज यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने नीचे लाइनिंग का पार्ट रखा है और ऊपर जो है मेन फैब्रिक रखा है, और पूरा जो फैब्रिक है पिन से सिक्योर कर लिया है मैंने चारों साइड से। अब हमें पूरा जो फैब्रिक है उसे स्टिच कर लेना है मेन फैब्रिक से, जो हमारा लाइनिंग का पार्ट है वो उसे अटैच कर लेना है। जो अस्तर का बॉटम है उसे सिंपली डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। ऐसे ही हमें दूसरा वाला जो पार्ट है वो भी रेडी कर लेना है। वैसे ही हमें जो स्लीव्स है स्लीव्स में भी ऐसे ही हमें अस्तर जो है अटैच कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लाइनिंग का जो पार्ट है वो कम्प्लीटली हमने अटैच कर लिया है फ्रंट और बैक पार्ट में। साथ ही साथ यहाँ पे बोटनेक का शेप जो है हमने कट कर लिया है। अब हमें इस नेक को जो है रेडी कर लेना है। पूरा जो सबसे पहले हमने लाइनिंग जो है पूरा कम्प्लीटली अटैच कर लिया है ताकि कहीं पे भी फैब्रिक मूव ना हो। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हमारा बोटनेक का शेप जो है आ चुका है। तो देखिए ऐसी तिरछी पट्टी लेते हुए हमें ये जो नेक का पार्ट है वो कम्प्लीटली रेडी कर लेना है ऐसे। सबसे पहले अंदर की साइड फ्रंट वाला जो पार्ट है उसमें सीधी साइड से ये स्ट्रिप लगाना अटैच करना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद सिंपली ये स्ट्रिप जो है अंदर की साइड टर्न करते हुए रेडी कर लेंगे। इसे हमें बैक पार्ट रेडी कर लेना है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों नेक जो है रेडी कर लिए है हमने। और यहाँ पे जो फ्रंट वाला नेक है उसमें हमने यहाँ पे गोल्डन कलर की लेस जो है पूरी अटैच कर ली है, ये बैक वाला पार्ट है। वैसे ही हमने स्लीव्स का जो पार्ट है उसे भी रेडी कर लिया है। देखिए स्लीव्स की बॉटम में ऐसी दो जो लेस हमने अटैच कर ली है। अब हमें क्या करना है, दोनों मेन फैब्रिक आमने सामने रखते हुए शोल्डर की फिटिंग कर लेनी है। तो देखिए कुर्ती को ऐसे रखेंगे और शोल्डर फिटिंग कर लेंगे। सबसे पहले शोल्डर से शोल्डर अटैच करने के बाद हमें क्या करना है, दोनों मेन फैब्रिक आमने सामने रखते हुए यहाँ पे स्लीव्स का सेंटर कर लेना है। उसके बाद स्लीव्स का सेंटर और कुर्ती का सेंटर मैच करते हुए पूरी स्लीव्स जो है हमें ऐसे अटैच कर लेनी है। देखिए पूरे पार्ट में यहाँ पे स्लीव्स जो है ऐसे अटैच कर लेनी है। ऐसे ही दूसरी वाली जो स्लीव्स है वो हमें अटैच कर लेनी है।
स्लीव्स यहाँ पे अटैच कर लिए हमने। अब देखिए हमें क्या करना है, कुर्ती को यहाँ तक फिटिंग कर लेनी है। स्लीव्स, ये जो स्लीव्स की साइड है वहाँ से फिटिंग करना स्टार्ट करेंगे। पूरी ऐसी फिटिंग करते हुए हमें यहाँ तक, हिप पार्ट तक फिटिंग कर लेनी है। उसके बाद ऊपर फिर से एक ऐसी दो सिलाई लगानी है इस साइड में और दूसरी वाली जो साइड है वहाँ पे। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली जैसे नॉर्मल कुर्ती के हम कट्स जो है फोल्ड करते हैं, वैसे ही इस कुर्ती के भी हमें साइड कट्स जो है फोल्ड कर लेने हैं। उसके बाद नीचे वाला बॉटम जो है उसे भी सिंपली डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, कुर्ती को जो है यहाँ पे फिटिंग कर लिए हमने, स्लीव्स वाले पार्ट में भी फिटिंग जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें कुर्ती के सिंपली जो कट्स है उसे फोल्ड कर लेना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने जितनी भी मार्जिन ली थी वहाँ पे लाइन ड्रॉ की है। अब देखिए यहाँ से हमें जो स्लीट है वो फोल्ड करना स्टार्ट कर लेना है। एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, उसके बाद उतना ही फैब्रिक अंदर के साइड रखते हुए फिर से इसे एक बार फोल्ड करेंगे। ऐसे ही जो नीचे वाला पार्ट है उसे भी ऐसे रेडी कर लेना है। सेम अपोजिट साइड में ऐसे ही हमें दोनों स्लीट जो है फोल्ड कर लेने हैं। बाद जो नीचे वाला बॉटम है देखिए ये, उसे भी सिंपली हमें ऐसे फोल्ड करते हुए पूरा जो बॉटम है वो स्टिच कर लेना है।